चलिए दोस्तों इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर को हटा देंगे वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस थ्री क्यों? देखिए एक से एक गुना करेंगे तो एक से उसका आ जाएगा, प्लस वन है ही, और एक को उस पर ले जाएंगे तो थ्री एक्स आ ही जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं इसके पहले एक फार्मूला बता देता हूँ। अगर वन प्लस वन बाई ए इजल टू के हुआ तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इजल टू के स्क्वायर माइनस टू, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब के क्यूब माइनस सेवन, नहीं के क्यूब माइनस थ्री गुना के। आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए, यही फार्मूला है। अगर एग्ज़ाम में ये है, ये पूछा है तो ये फार्मूला बैठाना है, अगर ये पूछा है तो ये फार्मूला बैठाना है। तो देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, इसका वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। तो हम लोग अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सी ना, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इससे जाना है, ये सिंगल है इसको स्क्वायर पे जाना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके माइनस टू, तो कितना आएगा तीन स्क्वायर नौ, नौ से दो गया तो सात, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। देखिए इसका वैल्यू मिल गया है, मान लेते इसका क्यूब करना है, अगर इसका क्यूब करना है तो इसका वैल्यू तो सात, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा तो ए सिक्स, इसका देखिए तीन गुना, और इसका भी तीन गुना ये था डायरेक्ट, तो उस हिसाब से क्या होगा वन बाई एक सिक्स इज इक्वल टू सात का तीन गुना माइनस टेन इंटू सात, यही होगा। अब देखिए कितना होगा, टू सात सात उनपचास टू फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी वन, तो कितना आएगा तीन सौ बाईस, इसका सही जवाब। देखिए मैंने ये कैसे किया, ए स्क्वायर है इसका तीन गुना ये होगा ना, देखिए ये भी सिंगल डिजिट है इसका तीन गुना ये होगा, तो तीन गुना का फॉर्मूला क्या है, क्यूब करना है तो हम लोग क्यूब किए माइनस थ्री के, माइनस थ्री के का वैल्यू क्या है सात है, तो सात किए, ऐसे किए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके।